हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मैं तुझको भूल जाऊं, तू मुझको भूल जा, हाय कवि ना हो ये, हाय कवि ना हो। बीवी ने बताई थी मुझे लॉन की कीमत, कीमत भी फिर ऐसी थी जो के सुनी ना हो। ताबीर मिल रही है जब ख्वाब में मुझे, बेदार किस लिए फिर हो जाऊं मैं जनाब। कॉपी मुझे करते हैं और मुझसे ही जलते हैं, और जलते भी ऐसे हैं कि हो जाते हैं कबाब। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त वासे लाखों में एक। जुमला पुराना है लेकिन आज भी उतना ही करामत, देखती आंखों और सुनते कानों को मजाकराती टीम का सलाम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप सब लोगों के? बादशाह साहब आपके जेरे साया, आपकी दुआएं, बस अल्लाह आपको हमें कायम दायम रखे, आपके सर पे अल्लाह ताला रहमतें करे। अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे आपकी दुआओं से, अल्लाह सब कुछ मुझे दे। असल आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह माफ करे, साथ कहते हैं। लग रहा है कि आपने ठाकुर साहब का कोट पहन लिया है। नहीं, दोनों ने पैसे पा के ना लिया कोट। अच्छा, मतलब ठंड लगे तो ठाकुर भी इच्छी आ जाता। आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त पिछले दिनों सुनने में आई कि करप्शन का खात्मा होगा तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। यस, मतलब कि हमें हर लेवल पे पाकिस्तान में किसी न किसी तरह करप्शन या दो नंबरी देखने मिलती है। आपने कनेक्शन लेना हो बिजली का, आपने लाइसेंस बनवाना हो, आपने कोई काम करवाना हो तो आप रिश्वत दें। आप एग्री करते हैं? हम तो बचपन से सुन रहे हैं इस मुल्क के अंदर, नी नीव कितने अंदा, नीव ने नौकरी कर ली है के कितनी तनखा, हाँ 2500 तनखा है, बस 2500 उतो बड़े हो जाते हैं। करप्शन हर महकमे में, हर मोहल्ले में, हर गली में। हम भी दूसरे को कहते हैं, खुद अपने आप को देखेगा। एक तो पुलिस वाला एक मुंडे ने कुटी ही जाए, मैं भा क्यों मारदा, कहें खाली खीसे निकल आते हैं, 8 लाख रुपया दे के कहना भर्ती होया, टगा नहीं वटिया हूं तक, दूसरे बेईमानी कर देने। हूं वो कैसे, मतलब पैसे इधर ले ठुमके दे लेंदे ने ते मार दे इधर वाला, ये करप्शन है भाई जी। खैर, अपने आज के शो का आगाज करते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान एक बहुत ही जबरदस्त स्पेशल सियासतदान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, आप सबकी तालियों में जनाब कमर जमान कायरा। और इनके साथ मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त अदाकारा, इस साल ये अपनी एक्टिंग के 20 साल मुकम्मल कर रही हैं, आप सबकी तालियों में जाना मलिक। बेल्ट लगा लें, आगे जम पाएंगे। अच्छा हाय, नहीं अगले बैठे बंदर ड्राफ्ट में। सर पहले बता देना चाहिए, वो साथ दे के सोफा खुला कितना उनको। उन्होंने खुला तो कितने मिटाई लेके कमीज पाट देंगे। कायरा साहब, पैनामे मुस्लिम लीग नून के लीक हुए और पीटीआई ने तोपों का मुंह मोड़ दिया सिंध की जानेब, ये क्या बात हुई? पीटीआई का अपनी मर्जी है। एक दिन में मर्जी तब्दील हो गई। अगर वो सिंध से आगाज करना चाहते हैं तो सिंध से आगाज कर लें। नेशनल कैंपेन है और ये एक ऐसी कैंपेन है जिसपे सारी कौम इकट्ठी है कि करप्शन के खात्मे के लिए एक मुसम्मम पॉलिसी बननी चाहिए, एक मजबूत पॉलिसी बननी चाहिए। और इस वक्त जो पनामा पेपर्स के हवाले से या पनामा लीक्स के हवाले से मुल्क के अंदर डिबेट जारी है, उसमें जिस तरह हुकूमत ने लेतोलाल से काम लिया है और अब फिर उन्होंने स्पिन दिया है इस मामले सारे को कि जी वो एक ऐसे लंबे काम में डाल दो, एक ऐसे लंबे चक्कर में डाल दो कि ना कंक्लूजन हो सके। जिस तरह टीओआर बनाए गए हैं वो बड़े अफसोसनाक है। वजीर आजम साहब के खिताब से पहले मैंने कहा था कि इनके खिताब की जरूरत नहीं है। वजीर आजम का खिताब एक बड़ा सीरियस मामला होता है, एड्रेस टू नेशन जो होता है ना जी, या अस्पताल दाखिल कराओ। उतना तो नहीं। वो सारा खिताब है, ऑपरेशन नहीं। नहीं खान साहब, उसमें होता यह है कि वजीर आजम या सदर दो शख्सियतें होती हैं जो कौम से खिताब करती हैं। वजीर आजम साहब को चाहिए कि एक प्रेस रिलीज जारी करें, अब उनका स्टाफ जारी करे और वो अपोजिशन को इन्वाइट कर लेते कि आओ भाई बैठो, तुमने कमीशन बनवाना है, किस किस्म का कमीशन चाहिए। उसके लिए अगर वजीर आजम साहब सिंसियर होते, सीरियस होते, तो बजाय इसके कि वो तकरीर करके अपने लिए नई बहस खोलते, अपने लिए खड्डे खोदते, उन्होंने एक कमीशन जो जिसको पहले दिन ही उसी वक्त अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक लंबा चक्कर देने की कोशिश की है। बिल्कुल कौम नहीं मानेगी। वो कहते हैं जी जिन्होंने कर्जे लिए माफ कराए फलां किया, बिल्कुल
ہم سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ جنہوں نے قرضے لیے، جنہوں نے رائٹ آف کرائے، جنہوں نے مس یوز کیا، جنہوں نے پیسے غلط کمائے اور باہر بھیجے یا اپنے ملک میں رکھے، ان کا احتساب کریں، حساب کریں، پکڑ کے اندر دیں، یہ کمیشن بالکل وہ بھی کام کرے، لیکن پہلے یہ کام پاناما پیپر سے اٹھنے والے اس طوفان کا کریں۔ اس کے اندر جو پاکستانی ہیں اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا خاندان ہے، ان کا احتساب پہلے ہونا ہے۔ اب پہلے کیوں ہونا ہے؟ پہلے اس لیے ہونا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں اور سب سے بڑے انتظامی عہدے پہ بیٹھے شخص کے اوپر ان کے اپنی اولاد نے ان کے لیے، ان کے اپنے ساتھیوں نے ان کے لیے اور ان کی اپنی تقریروں نے ان کے لیے اتنے کھڈے کھود دیے ہیں کہ ان کا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم یا صدر کا خطاب جو ہوتا ہے وہ پالیسی سپیچ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کوئی گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کوئی جنگ لگ جاتی ہے، بتانا ہوتا ہے کسی کو، جنگ لگ جاتی ہے، ملک میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنی صفائی دینے کے لیے۔ اچھا جناب، 20 سال مکمل ہو گئے اس سال آپ کو الحمدللہ، اور آپ کتنی چھوٹی تھی جب آپ پہلی بار محافظ نہیں محافظ واز ناٹ دا فرسٹ تھنگ آئی ڈیڈ، آئی ڈیڈ اے پی ٹی وی کا ڈراما فار دا فرسٹ ٹائم، اٹ واز کالڈ ریک سار۔ 25 سال تو آپ سلور جوبلی منا رہی ہیں اپنی؟ نہیں 25 سال، ابھی 25 سال نہیں ہوئے، 20 سال ہوئے۔ تو جانا 20 سال میں آپ نے ہمیں بالکل نہیں جانا، بس حالات، سماج، قسمت بیچ میں آ جاتی۔ دیکھا، اگر آپ پاپا مان جاتے تو آج میں بھی سکھی ہوتا۔ آج عرصے کے بعد پتا چلا کہ ان کے پاپا کا تعلق ویسٹ انڈیز سے ہے۔ پاپا خاموش ہیں۔ اچھا بندے کی شرارتی میں محلے سے جنج کسی کی آئی لڑائی کو جنج واپس چلے جاتی لا بھی جنج تو آئی ہے مگر لاڑا ہو نہیں جائے گا، پیچا کس کا لگن دیا پسند والے دن آپ ایویں نیلی کٹھی جانی ہے۔ جانا کیا یہ کچھ سچائی ہے ان کی، سخاوت صاحب کی اس بات میں جو وہ والی جو انہوں نے پہلے کی تھی کہ اصل میں پاپا نہیں مانے، جو ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی، کیا آپ اسی قسم کے انتظار میں تھیں؟ ان کے دعوے میں کوئی حقیقت ہے؟ اگر ان کو لگتا ہے کہ حقیقت ہے تو پھر نو پرابلم۔ آپ کو کیا ہے؟ مجھے مدعا تو جاننے دیجئے، کیا وجہ کیا ہے؟ کیا حقیقی جمہوریت کے انتظار میں، کس چیز کا انتظار ہے؟ ویسے بہت اچھا بہانا ہے یہ، نیکسٹ ٹائم آئی ایم گونا یوز دیٹ، حقیقی جمہوریت۔ سر یہ جانا ملک نے کہا کہ یہ شادی انہوں نے ابھی تک اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ حقیقی جمہوریت کے انتظار میں ہے۔ جمہوریت کا لیول کیا ہوگا؟ جمہوریت تو پاکستان میں ہے، یعنی آپ کے ہاں ورکنگ ڈیموکریسی ہے، آپ کے پارلیمان ہے، اسمبلیاں ہیں، آپ کے منتخب وزراء ہیں، منتخب حکومتیں ہیں، اب اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے۔ اس جمہوریت کو برطانوی جمہوریت تک پہنچتے ہوئے تو 100 سال لگائے وہاں، 100 نہ لگے، 10-15-20 سال تو لگیں گے، اور جانا کو میرے خیال ہے اور اتنا عرصہ نہیں انتظار کرنا چاہیے۔ گزر جائیں گے سرکار کوئی بات نہیں، ہزارا وقت ہے دشوار کوئی بات نہیں، کام کا ہی نہیں ہے امتحان تمہارا بھی، تم جو ہونے لگے بیزار کوئی بات نہیں، تم نے دہرائی وہی مشق جو پہلے بھی ہوئی، اس پہ کیا کرنی ہے تکرار کوئی بات نہیں، بات نہیں۔ بھول جاؤں تو مجھ کو بھول جا، ہائے کبھی نہ ہو یہ، ہائے کبھی نہ ہو۔ بی بی نے بتائی تھی مجھے لون کی قیمت، قیمت بھی پھر ایسی تھی جو کہ سنی نہ ہو۔ تعبیر مل رہی ہے جب خواب میں مجھے، بیدار کس لیے پھر ہو جاؤں میں جناب، کاپی مجھے کرتے ہیں اور مجھ سے ہی جلتے ہیں، اور جلتے بھی ایسے ہیں کہ ہو جاتے ہیں کباب۔ ڈبے میں ڈبا، ڈبے میں کیک، میرا دوست واسے لاکھوں میں ایک۔ جملہ پرانا ہے لیکن آج بھی اتنا ہی کرامت، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو مذاکراتی ٹیم کا سلام۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ بادشاہ صاحب آپ کے زیر سایہ، آپ کی دعائیں، بس اللہ آپ کو ہمیں قائم دائم رکھے، آپ کے سر پہ اللہ تعالیٰ رحمتیں کرے، اللہ مجھے تندرستی دے آپ کی دعاؤں سے، اللہ سب کچھ مجھے دے۔ اصل آج آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں،
अल्लाह माफ करे साथ कहते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने ठाकुर साहब का कोट पहन लिया है। नहीं, दोनों ने पैसे पा के ना लिया कोट। अच्छा, मतलब ठंड लगे तो ठाकुर भी इच्छी आ जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक स्टेटमेंट बड़ी जबरदस्त पिछले दिनों सुनने में आई कि करप्शन का खात्मा होगा तो दहशतगर्दी का खात्मा होगा। यस, मतलब कि हमें हर लेवल पे पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह करप्शन या दो नंबरी देखने मिलती है। आपने कनेक्शन लेना हो बिजली का, आपने लाइसेंस बनवाना हो, आपने कोई काम करवाना हो तो आप रिश्वत दें। आप एग्री करते हैं? हम तो बचपन से सुन रहे हैं इस मुल्क के अंदर, नीव कितने दा, नीव ने नौकरी का लिया गए कितनी तनखा, हाँ 2500 तनखा है, बस 2500 उत्तों बड़े हो जाते हैं। करप्शन हर महल में, हर मोहल्ले में, हर गली में। हम एवं एक दूसरे को कहते हैं, खुद अपने आप को देखेगा। एक तो पुलिस वाला के मुंडे ने कुटी ही जावे, मैं कह पा क्यों मारदा, कह खाली खीसे निकल आंदे है 8 लाख रुपया दे के, कहना भर्ती होया टगा नहीं वटिया हुण तक, दूसरे बेईमानी कर देने हुण। वो कैसे? मतलब पैसे इधर ले थुम के दे लेंदे ने ते मार दे इधर वाला, ये करप्शन है भाई जान। खैर, अपने आज के शो का आगाज करते हैं और अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे पहले मेहमान एक बहुत ही जबरदस्त स्पेशल सियासतदान, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, आप सबकी तालियों में जनाब कमरुल जमान कायरा। और इनके साथ मौजूद है एक बहुत ही जबरदस्त अदाकारा, इस साल ये अपनी एक्टिंग के 20 साल मुकम्मल कर रही हैं, आप सबकी तालियों में जाना मलिक। आगे जम पाएंगे। अच्छा, हाँ, अगले बैठे बंदे को ड्रा नहीं। सर पहले बता देना चाहिए, वो साथ दे के सोफा खुला कितना है उनको? उन्होंने खुला तो सुचा मिठाई लेके कमीज पाड़ देंगे। कायरा साहब, पैनामे मुस्लिम लीग नून के लीक हुए और पीटीआई ने तोपों का मुंह मोड़ दिया सिंध की जानेब, ये क्या बात हुई? पीटीआई का अपनी मर्जी है। एक दिन में मर्जी तब्दील हो गई। अगर वो सिंध से आगाज करना चाहते हैं तो सिंध से आगाज कर लें। नेशनल कैंपेन है और ये एक ऐसी कैंपेन है जिसपे सारी कौम इकट्ठी है कि करप्शन के खात्मे के लिए एक मुसम्मम पॉलिसी बननी चाहिए, एक मजबूत पॉलिसी बननी चाहिए। और इस वक्त जो पनामा पेपर्स के हवाले से या पनामा लीक्स के हवाले से मुल्क के अंदर डिबेट जारी है, उसमें जिस तरह हुकूमत ने लेतोलाल से काम लिया है और अब फिर उन्होंने स्पिन दिया इस मामले सारे को कि जी वो एक ऐसे लंबे काम में डाल दो, एक ऐसे लंबे चक्कर में डाल दो कि ना कंक्लूजन हो सके, जिस तरह टीओ आज बनाए गए हैं वो बड़े अफसोसनाक है। वजीर आजम साहब के खिताब से पहले मैंने कहा था कि इनके खिताब की जरूरत नहीं है। वजीर आजम का खिताब एक बड़ा सीरियस मामला होता है, एड्रेस टू नेशन जो होता है ना जी, या अस्पताल दाखिल कराओ। उतना वो सारा खिताब है, ऑपरेशन नहीं। नहीं खान साहब, उसमें होता यह है कि वजीर आजम या सदर दो शख्सियतें होती हैं जो कौम से खिताब करती हैं। वजीर आजम साहब को चाहिए कि एक प्रेस रिलीज जारी करें, अब उनका स्टाफ जारी करें और वो अपोजिशन को इनवाइट कर लेते कि आओ भाई बैठो, तुमने कमीशन बनवाना है, किस किस्म का कमीशन चाहिए। उसके लिए अगर वजीर आजम साहब सिंसियर होते, सीरियस होते, तो बजाय इसके कि वो तकरीर करके अपने लिए नई बहस खोलते, अपने लिए खड्डे खोदते, उन्होंने एक कमीशन जो जिसको पहले दिन ही उसी वक्त अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने एक लंबा चक्कर देने की कोशिश की है, बिल्कुल कौम नहीं मानेगी। वो कहते हैं जी जिन्होंने कर्जे लिए माफ कराए, फलां किया, बिल्कुल हम सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि जिन्होंने कर्जे लिए, जिन्होंने राइट ऑफ कराए, जिन्होंने मिसयूज किया, जिन्होंने पैसे गलत कमाए और बाहर भेजे या अपने मुल्क में रखे, उनका एहतसाब करें, हिसाब करें, पकड़ के अंदर दें। ये कमीशन बिल्कुल वो भी काम करे, लेकिन पहले ये काम पनामा पेपर से उठने वाले इस तूफान का करे। इसके अंदर जो पाकिस्तानी हैं और खासतौर पर वजीर आजम साहब का खानदान है, उनका एहतसाब पहले होना है। अब पहले क्यों होना है? पहले इसलिए होना है कि वजीर आजम पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और सबसे बड़े इंतजामी ओहदे पे बैठे शख्स के ऊपर उनके अपनी औलाद ने उनके लिए, उनके अपने साथियों ने उनके लिए और उनकी अपनी तकरीरों ने उनके लिए इतने खड्डे खोद दिए हैं कि उनका उनको जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम या सदर का खिताब जो होता है वो पॉलिसी स्पीच होता है, उसके अंदर आप कोई गाइडलाइन दे रहे होते हैं, कोई बड़ा ऐलान कर रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई जंग लग जाती है, बताना होता है किसी को, बता जंग लग जाती है, मुल्क में कोई इमरजेंसी हो जाती है, उसके बारे में वजीर आजम कौम को एतमाद में लेते हैं। ये तो नहीं होता कि आप अपनी सफाई देने के लिए। अच्छा जनाब, 20 साल मुकम्मल हो गए इस साल आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कितनी छोटी थी जब आप पहली बार मुहाफिज साल की?
नहीं मुहाफिज वॉज नॉट द फर्स्ट थिंग आई डिड, आई डिड अ पीछे का ड्रामा फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज कॉल्ड रेगसार। 25 साल तो आप सिल्वर जुबली मना रही हैं अपनी? नहीं 25 साल, अभी 25 साल नहीं हुए, 20 साल हुए। हाँ तो जाना 20 साल में आपने हमें बिल्कुल नहीं जाना। बस हालात, समाज, किस्मत बीच में आ जाती। देखा, अगर आप पापा मान जाते तो आज मैं भी सुखी होता। आज अरसे के बाद पता चला कि इनके पापा का ताल्लुक वेस्ट इंडीज से है। पापा हम बोले बात में अच्छा बंद शरारती मैंने मल्ले च जंज किसी की आई लड़ाई करवा के जंज वापस चले जाती लाभ जंज ते आई है मगर लाड़ा हो नहीं जाएगा। पेचा किस का लगन डेहा बसंत वाले दिन आप एवं नीली कट्ठी जानी जाना। क्या ये कुछ सच्चाई है इनकी सखावत साहब की इस बात में जो अब वाली वो वाली जो इन्होंने पहले की थी कि असल में पापा नहीं माने, जो अभी तक आपने शादी नहीं की, क्या आप इसी किस्म के इंतजार में थी? इनके दावे में कोई हकीकत है? अगर उनको लगता है कि हकीकत है तो फिर नो प्रॉब्लम। आपको क्या है भाई, मुझे मुद्दा तो जानने दीजिए, क्या वजह क्या, क्या हकीकी जमहूरियत के इंतजार में किस चीज का इंतजार है? वैसे बहुत अच्छा बहाना है ये, नेक्स्ट टाइम आई एम गोना यूज दैट, हकीकी जमहूरियत। सर ये जाना मलिक ने कहा कि ये शादी इन्होंने अभी तक इसलिए नहीं की क्योंकि ये हकीकी जमहूरियत के इंतजार में है। जमहूरियत का लेवल क्या होगा? जमहूरियत तो पाकिस्तान में है, यानी आपके यहाँ वर्किंग डेमोक्रेसी है, आपके पार्लियामान है, असेंबलियां हैं, आपके मुंतखब वजरा हैं, मुंतखब हुकूमतें हैं। अब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इस जमहूरियत को बरतानवी जमहूरियत तक पहुंचते हुए तो 100 साल लगाए, वहां 100 ना लगे, 10-15-20 साल तो लगेंगे। और जाना को मेरे ख्याल है और इतना अरसा नहीं इंतजार करना चाहिए। गुजर जाएंगे सरकार कोई बात नहीं, हजारा वक्त है दुश्वार कोई बात नहीं, गांव का ही नहीं है इम्तिहान तुम्हारा भी, तुम जो होने लगे बेजार कोई बात नहीं, तुमने दोहराई वही मश्क जो पहले भी हुई, इस पे क्या करनी है तकरार कोई बात नहीं, बात नहीं। आ माते अंधे करती